नमस्कार मित्रों, और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। मित्रों, आज हमारे दिल्ली वाले आश्रम पर काफ़ी जगह के लोग आए हुए हैं, जिसमें कुछ अपनी समस्याओं को लेकर के आए हुए हैं और कुछ दीक्षित होने के लिए आए हुए हैं। ये जो भाई हैं, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रवीण। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली में शाहदरा से हैं। अच्छा, आप किस माध्यम में आए हैं? मैं दीक्षित होने के लिए आया हूँ गुरु जी से। अच्छा, मैं काफ़ी दिनों से इनको फॉलो कर रहा हूँ, महीनों से फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे सबसे बढ़िया गुरु जी। हमसे पहले आप कहीं और भी गए हैं? मैं बहुत जगह गया हूँ, बहुत गुरु मिले, लेकिन धोखे और पैसे बर्बाद के अलावा और कुछ नहीं मिला, धोखा ही मिला है। अच्छा भैया जी, हमारे वीडियो को देख करके आपको ऐसा क्या लगा? आपकी वीडियो देख के मुझे ऐसा लगा कि एक सच्चा इंसान जो होता है वो सबसे पहले मुझे पता चला, और जिस तरीके से दीक्षित करते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत सी चीज़ें मैंने देखी कि धोखा नहीं है, सब कुछ जो है सच है आंखों के सामने। अच्छा भैया, इसको सीखने के बाद में आप क्या करेंगे? इसको सीखने के बाद जो है मैं बिल्कुल लोगों का जो है जो दुख होता है या कोई परेशानी होती है मैं उनको ही दूर करूँगा। ऐसा तो नहीं भैया, जैसे हम लोगों को लूट रहे हैं ऐसे आप भी लूटने लगो? ऐसा तो नहीं है। मेरा लूटने का भाई, हमारा तो लूटने का काम है भाई। मैं दरअसल किसी इंसान को परेशान नहीं देख सकता, जब मुझे पता चलता है कि कोई इंसान परेशान है, दिक्कत है, तो देखा नहीं जाता, मैं चाहूँगा कि वो मैं ठीक करूँ। दोस्तों, कल हम YouTube पर कुछ वीडियो देख रहे थे, हमारे सामने चमत्कार के नमस्कार वालों का एक वीडियो हमारे पास में आया। उसमें उन्होंने हमारे चैनल का हमारा नाम लिए बगैर और हमारे बारे में कुछ बोला कि उन्होंने हमें इतना टारगेट किया है, और हम अधिकारियों से बात कर चुके हैं और मान हानि का मुकदमा उनके चैनल के खिलाफ डालेंगे। तो मित्रों देखिए, हमारा टारगेट करने का कोई मकसद नहीं होता है। मेन मकसद ये होता है कि जो व्यक्ति आपके पास में दीक्षित होने जा रहा है या कोई भी चीज़ आपसे सीखने जा रहा है, आप उसको उस तरीके से डील करो कि वो आपको छोड़ करके कहीं जा ना सके। हम किसी को गुमराह करने का काम नहीं करते, हमारा सीधा सा मकसद यही होता है कि जो व्यक्ति हमारे पास जुड़ा है वो हमेशा जुड़ा रहे। और दूसरी बात भैया जी, मान हानि का मुकदमा वाली बात है, आप करिए, चैनल के खिलाफ करिए, हमारे खिलाफ करिए, आपकी शुरुआत हो जाएगी, हमारा एंड हो जाएगा। हम कोई लड़ने झगड़ने वाले व्यक्ति नहीं हैं, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, किसी को हम बदनाम नहीं कर रहे हैं, बस हम इतना कहना चाह रहे हैं कि अपने अपने तरीकों को बदलिए, अपने अपने रास्ता को सही रखिए। जो व्यक्ति आपके पास जाता है वो आपसे जुड़ा रहे। अब आपके पास में जो व्यक्ति जाता है वो व्यक्ति भटक करके हमारे पास जब आता है तो देखिए, उसके साथ साथ हमें भी दुख होता है, वो तो बंदा दुखी हो जाता है, उसके साथ हमको भी दुख होता है कि भाई जो व्यक्ति हमारे पास आया है उसका हम संपूर्ण तरीके से समाधान करें। जब उसे कई जगह से ठोकर लगने को मिलती है तो वो इंसान अंदर से टूट जाता है, वो किसी पर विश्वास नहीं कर पाता है। देखिए, इसका मैं साक्षात प्रमाण आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं दिल्ली के आश्रम पे हूँ और तमाम लोग मेरे पास आए हुए हैं, और जो चमत्कार के नमस्कार चैनल से दीक्षित हुए हैं वो भी मेरे पास में नागौर जिला से, राजस्थान में पड़ता है भैया जी, इधर आ जाइए। हाँ, नागौर डिस्ट्रिक्ट। आप भैया देख लो, ये भी हमारे दर्शक हैं, ये चमत्कार के नमस्कार वाले चैनल जो हैं, रुद्रशरण महाराज जी हैं, वहाँ पर जाकर है, वहाँ पर ये गए हैं, वहाँ से दीक्षित हुए हैं। लेकिन भैया, आप अपने जवानी इनको बता दो। हमारा कुछ नहीं मिला वहाँ पे। आप वहाँ गए थे? गए थे। ऐसा तो नहीं आप झूठ बोले हो? नहीं, झूठ नहीं बोले। लेकिन रुद्रशरण महाराज जी ने, जो हमारे परम गुरु भाई के समान है, वो हमारे रुद्रशरण महाराज जी, आप उनके पास गए, वहाँ से आपको क्या मिला? वो आप हमारे को मिले भी नहीं थे रुद्रशरण जी, उसके जो वहाँ पे ऑफिस में रखे हुए थे दो आदमी थे वो मिले थे। उन्होंने आपको क्या सिखाया? वो कुछ नहीं सिखाया। आपको वहाँ से फिर क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। आप इस घर पे आए थे, हम भैया जी से हमने बात करी, भैया जी कह रहे हैं कि हम वहाँ पर गए थे लेकिन सिवा धोखे के हमें कुछ नहीं मिला। अब आप सोचिए मित्रों, जो व्यक्ति बार बार कहीं जाता है, हर जगह भटकता है, तो वो उसका दिल कैसे गवाही करे कि मैं किसी नई जगह पर जाऊं।
हमारे पास जो व्यक्ति आता है, भैया जी आप हमारे पास आए हो, यहाँ पर आपको देख करके क्या लगा? हमारे एकदम अच्छा लगा। क्या हम आपको लूटने वाले दिखते हैं? नहीं नहीं नहीं, लूट। क्या आपको गुमराह करने वाले दिखते हैं? नहीं। आपसे कुछ लिया है? नहीं। या अभी तक हमने आपको कुछ दिया भी नहीं है? नहीं नहीं। लेकिन मित्रों, जो भी व्यक्ति है उसके व्यवहार, उसकी वाणी से ही पहचान हो जाती है ये व्यक्ति किस प्रकार का हो। ये वहां गए लेकिन इनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, समय बर्बाद हुआ, लेकिन हम ये चीज खोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि भाई सब का मार्गदर्शन अलग अलग होता है। ये कहो कि भाई पैसा काम नहीं करता, पैसा भी हर जगह काम करता, आज के समय में पैसा ही सब कुछ है, लेकिन उचित पैसा अगर खर्च हो जाए और उसमें अपने मन को शांति मिल जाए, अपना काम हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। और भी हमारे भैया जी ये आए हैं, क्या नाम है भैया जी आपका? सज्जन सिंह। सज्जन सिंह, जिला कौन सा आपका? जोधपुर। जोधपुर के रहने वाले हैं आप। भैया किस माध्यम में आए थे हमारे पास? ये भी दीक्षित होने के लिए आए हैं और ये भी दीक्षित होने के लिए आए हैं। और ये भैया जी शाहदरा से हैं जी, शाहदरा से भी दीक्षित होने आए हैं। अगर हम लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं तो सबसे पहले तो भाई साहब यही हमारे ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर देंगे। चमत्कार वाले भैया गुरुजी, आपको तो ये मुकदमाबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मेरे आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आप हमारे परम गुरु भाई के समान हैं, आप जो है अपने दर्शकों को, अपने साधकों को, अपने भक्तों को अपने तरीके से, सही तरीके से डील करिए, तो हमें भी बहुत सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। आज हमारे पास में लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आप काफ़ी सालों से अपने चैनल पर काम कर रहे हैं, हमें तो भाई मात्र साल दो साल हुए हैं। भाई हम तो आपको अपने परम गुरु भाई के समान समझते हैं और आपका मान सम्मान करते हैं। आपको ये भाषा बोलने में शोभा नहीं देती कि हमने अधिकारियों से बात कर ली है, हम उनके खिलाफ मान हानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। आप करिए, ऐसी बात नहीं है, मैं रोक नहीं रहा आपको, आप शुरुआत करेंगे एंड में कर दूंगा भाई, और इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन शुरुआत किसी चीज़ की अच्छी होती है, लेकिन जब एंड होता है ना उसका अंत होता है। फिल्म देखी आपने, शुरुआत कितनी ज़बरदस्त होती है और एंड कितना ख़राब होता है, उसी प्रकार से हमारा भी है, ऐसा ही होता है। तो मित्रों देखिए, ये सभी लोग हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं और एक व्यक्ति पर ये सारे लोग डिपेंड हैं। हम कुछ इनको ज्ञान देते हैं, कुछ सही मार्ग बताते हैं, इसलिए ये हमारे पास आते हैं। हमारे पास भी कोई भैया परमात्मा नहीं है, बस हमने रास्ता को समझ लिया है, उस रास्ते पर चल करके लोगों का भला कर रहे हैं। और जो आम व्यक्ति होता है उसको इन रास्तों का पता नहीं होता है, वो इंसान जगह जगह जा करके भटक जाता है। तो देखिए, ये सभी लोग हमारे पास दीक्षित होने के लिए आए हैं। तो भैया जी सबसे पहले नंबर इनका लेते हैं। दोस्तों, अगर गुरु और शिष्य का परस्पर नाता को समझते हुए जो इंसान अपनी जिंदगी को जीता है, वो कभी इस भव सागर में अटकता नहीं है। जो भी गुरु किसी को शिष्य बना करके और बीच रास्ते में छोड़ देता है, उसे भटका देता है, उसका बहुत बड़ा पाप का भागीदार होता है, उसको ईश्वर भी माफ नहीं करता है। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों, जिस प्रकार से भक्त और भगवान का नाता होता है, माँ और बेटा का नाता होता है, ऐसे ही गुरु और शिष्य का नाता एक ऐसा नाता होता है, जीवन में ये अटूट बंधन की तरह बंध जाता है। मरते दम तक शिष्य अपने गुरु को नहीं भूलता और गुरु अपने शिष्य को नहीं भूलता। आज के समय में 90%
ऐसे गुरु मैं आपको दिखा दूं, एक बार शिष्य बनाने के बाद में उस शिष्य को तुरंत भूल जाता है कि वो कहाँ का है, कौन है, कैसा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मैं अपने शिष्यों के पास में, अगर मेरे शिष्य किसी गलत रास्ते पर भटक रहा है, अगर कोई कमी कर रहा है, तो मैं उसको एक एक साल बाद कॉल करता हूँ। उसको भी अकल ठिकाने आ जाती है कि भाई मैं जिसको भूल चुका हूँ आज उसने मुझे फ़ोन करके याद दिलाया है। तो ये चीज़ गुरु और शिष्य के बीच में होता है। हमेशा एक दूसरे का मार्गदर्शन करते हैं। हमेशा पैसा कमाना, ये कमाई करके पैसा इकट्ठा करना, ये सब नहीं होता है। आपको पता है मैं एक क्लिनिक भी चलाता हूँ। और जो बात करते हैं कि हम मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे, ये देख सकते हैं आप, ANI का रिपोर्टर भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, मुझे कानून के बारे में सब कुछ पता है। आप शुरुआत करेंगे, मैं एंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे मानहानि का करें, चाहे किसी का करें, लेकिन मेरी तरफ से हर व्यक्ति संतुष्ट होकर जाता है, तभी यहाँ से जाता है। इनका कोई चेला तभी जाएगा जब इनको यहाँ से धोखा मिलेगा, और यहाँ धोखा नहीं, सच होता है। ये भाई साहब काफी समय से जुड़े हुए हैं, एक बार मेरे घर पे भी मुलाकात कर चुके हैं। इंसान जो तेज होता है ना, वो हर चीज जांच कर लेता है कि किसके पास क्या है, कौन सी रास्ता सही है, कौन सा गलत है। ये सभी लोग तो मेरे पास अभी दिल्ली वाले आश्रम पर पहली बार आए हैं। सुमेर भाई भी जोधपुर का, जो मेरा शिष्य है परम, जिसे मैंने गंगा जी पर भी वीडियो बनाया था, घर पे रहते हुए आश्रम पे शक्ति दी थी, आज उस शक्ति को वो किस तरीके से संभाल रहे हैं वो सुमेर भाई आकर के सामने बताएंगे। ये सुमेर भाई भी आ चुका है। और भाई सुमेर, जो आपको शक्ति प्रदान की थी, कैसी काम कर रही है? बहुत काम कर रही है, अपना अखाड़ा चला रहा है, मरीजों की सेवा कर रहा है, मरीजों को ठीक कर रहा है। कम से कम 2000 आदमी आते हैं। आज इसके पास में जब 300 मरीजों को देखता था, आज 2000 बता रहा है अपने मुंह से। अगर हम उल्टा सीधा रास्ता बताते, गुमराह करते, तो क्या इसके पास 2000 लोगों की भीड़ हो जाती? क्या ये दोबारा हमारे पास आता? आज दिल्ली के आश्रम पे भी आ गया है यहाँ मुलाकात करने के लिए, और ये भी कई बार हमारे पास घूम चुका है। और देखिए, ये भी भाई मेरे पास 2 बार घूम चुके हैं। जानने वाला, समझने वाला बात करके ही पहचान लेता है कि कौन व्यक्ति कितने पानी में। इंसान की वाणी से ही पता चल जाता है कि उसका स्वभाव कैसा है। ये व्यक्ति एक बार मिलकर चले गए, हमको कुछ बता के नहीं दिया भाई, हमको संशय हुआ कि ये व्यक्ति हमसे संतुष्ट नहीं है। और दोबारा से भाई हमारे पास कल ही फोन किया कि गुरुजी हम आपके घर आना चाहते हैं। मैंने कि भैया हम दिल्ली के आश्रम में, तुम घर जा रहे हो, घर तुम्हें मिलेगा कौन? मुझे नहीं पता था कि गुरुजी दिल्ली आए हुए हैं। मैंने तो कल जिद लगा ली थी कि मैं इनके घर जा रहा हूँ, इनको एक मैसेज छोड़ दिया। इन्होंने जो मैसेज पढ़ा तो बोला दिल्ली में हूँ, मुझे और खुशी हुई। फिर भाई ने दिल्ली का एड्रेस मांगा, मैंने दिल्ली का एड्रेस दिया, और दिल्ली में मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले आश्रम का। इसका पल्ला गाँव है दिल्ली में, मुख्तारवरपुर के पास में है। कोई भी व्यक्ति आना चाहे तो यहाँ आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ हमारे परम शिष्य रविंद्र बस जी रहते हैं और पर्यावरण विभाग में नौकरी करते हैं। सुबह शाम वो यहाँ रहते हैं, पूरी रात रहते हैं, दिन में अपने ड्यूटी करते हैं। उनसे मिल सकते हैं, अपनी किसी भी समस्या का समाधान हमारे परम शिष्य पंडित रविंद्र बस के द्वारा आप अपना संपूर्ण परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। ये हमारे परम शिष्य पंडित जी रविंद्र बस जी हैं, इनके पास आप आ जाइएगा। आप बता दो इनको टाइम कितने बजे तक आप मिलते हैं? मैं सुबह 9:30 बजे निकलता हूँ यहाँ से और 6:15 बजे पहुँच जाता हूँ यहाँ आश्रम में। सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती है। मैंने टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं बीटेक की हुई है मैंने, और MSc इन एनवायरमेंट।